मम्मी शू छे दिख रहा। मम्मी ये क्या है, जरा अपना कमरा तो देखो कितना गंदा करके रखा है। ये बेडशीट तो देखो कितनी पुरानी है, और पर्दे देखो, पर्दों में तो धूल ही धूल है। उफ, मम्मी आपने वॉशरूम में जाने के लिए स्लिपर्स तक नहीं रखी है। देख राशि, ज्यादा मीन में मत निकाल, ये मोदी भवन नहीं है, मेरा घर है मेरा घर, और जब से तू पैदा हुई है ये ऐसा ही है। हाँ लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। हा? मेरा जी मिचला रहा है, मैं धवल भाई के कमरे में जाके सोऊंगी। हाँ अरे राशि, राशि सुन, अरे राशि ये दरवाजा क्यों बंद है? आज पहली बार बंद थोड़ी है, वो तो हमेशा रूम बंद रखती है। क्यों, वो क्या इस घर की महारानी है क्या? जी अपने घर की तो मैं महारानी हूं ही, खैर कही मैं धवल भाई के कमरे में सोऊंगी। क्यों नहीं, अब आई डोंट माइंड, लेकिन ऑर्डर देकर नहीं, पूछने का एक तरीका आना चाहिए। ए, मेरी दिकरी से ऐसे बात मत कर। क्या हुआ धवल भाई, जरा देखिए तो आपकी बीवी मुझसे किस तरह बात कर रही है। एक सेकेंड आई, किंजल जी राशि बेन प्रेग्नेंट है, उनको यहाँ पर किसी भी तरीके की तकलीफ या तनाव नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कुछ दिन आपको तकलीफ जरूर होगी, पर कुछ ही दिनों की तो बात है, प्लीज मान जाइए। राशि बहन आइए आराम कर लीजिए। तूने इसे अच्छे से सुनाया, मजा आ भी गई। मम्मी प्लीज जरा मुंह चलाने के लिए बादाम पिस्ता दो ना। अरे पर ना, मारा घर में बादाम पिस्ता क्या छे? लेकिन मैं तो रोज बादाम पिस्ता खाती हूँ। प्लीज आप जाके मार्केट से ले आइए ना, मैं तब तक थोड़ी देर झपकी ले लेती हूँ। अरे पर तूने मंटे बादाम पिस्ता पण ला तो 4 दिवस में मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। इस कवार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मारी दिकरी ने घर की बाहर काढ़ी मुकी, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। आज तो मैं उस कवार को छोड़ूंगी ही नहीं। ने तो मुझे घर में आने से मना किया है, और अगर कहीं काकड़ी ने मने जोई ली थी तो ये तो मने कच्ची खाई जैसे। हाँ खिलौने बेचूंगी तो गोपी खिलौने लेने बाहर तो जरूर आएगी। रमकड़ा ले लो, रमकड़ा बे रुपया में सस्ता सस्ता रमकड़ा। अरे ओ रमकड़ा ले लो, रमकड़ा सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हो? तमे तमारू काम करो जाओ। अरे वाह देखो कैसे बात कर रही है। अरे रमकड़ा रमकड़ा चिल्ला रही है और हाथ में रमकड़ा भी नहीं है, ऊपर से मोढ़ू भी छुपा के रखा है।
जरूर कुछ बात है, कुछ गड़बड़ है, चलो इसको पल्लू उठाते हैं। ये लोग मेरा मुंह देखेंगे तो मुझे पहचान लेंगे। चलो चलो, अरे छोड़ो, चलो अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे दिखाओ ना, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ, अरे जाओ जाओ, अरे अरे दिखाओ, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे दिखाओ ना। मामी जी, देखो मेरा मुंह देखने की सिद्ध छोड़ दो, मारू मोड़ू बहुत डरावनू छे, देखोगे ना तो उल्टे पाव भाग जाओगे। चलो चलो पुलिस को बुलाते हैं, चलो चलो चलो। मामी जी अब ठीक तो है ना? उठिए, हिम्मत कैसे हुई मेरी दीकरी को धमकाने की? वक्त तेरी वजह से मेरी दीकरी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। नहीं मामी जी, मैं तो बस ये चाहती थी कि राशि बहन अपनी गलतियों को सुधार ले। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि राशि बहन घर छोड़कर जाए। मिला बेन यहाँ क्या कर रही? अभी के अभी मेरी दीकरी को फोन लगा और उसे बोल कि घर वापस आ जाए, और उसे ये भी बोल कि तू काकड़ी को कुछ नहीं बताएगी। मिला बेन, आप यहां? मैंने आपसे कहा है ना कि आप हमारे घर नहीं आएंगी। हाँ ना, ना मतलब विवान जी, आपने मुझे घर आने से मना किया तो मैं आपके घर आई भी नहीं हूं, पर आज आना पड़ा। क्यों, ऐसी क्या खास बात हो गई कि आपको आना पड़ा? वो राशि का कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। कौन सी चीजें? वो उसके कुछ कपड़े और कंबल। तुम्हें तो जानो छो विवान जी कि राशि को कुछ चीजों की आदत पड़ गई है जो वो बदल नहीं सकती, और अगर कोई उसे बदलने की कोशिश करता है तो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। बस इसीलिए कुछ कपड़े, कंबल और कुछ हाँ बादाम पिस्ता वो लेने आई हूँ। उर्मिला बहन, आपकी बेटी राशि जब यहाँ से निकली है तो ढेर सारे कपड़े लेकर निकली है, तो कपड़ों की तो उसे आवश्यकता नहीं होगी। और रही बात बाकी सामान की, उसके लिए उसे घर वापस आना होगा। चलो गोपी बाऊ जी। अने तमे उर्मिला बेन, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आइंदा से आप मेरे घर के आस पास भी नजर नहीं आनी चाहिए। समझी गया था मैं?